Good morning to all of you. This is Ajay Kumar and welcome to my channel Geekyleaks Network. So last time हमने ये देखा था कि brute force attack से हम अपने iOS device को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपको brute force attack करके भी दिखाया था और prevent करके भी दिखाया था, ठीक है? So आज हम पढ़ेंगे privilege level, ठीक है ना? So उससे पहले हम अपना एक्सपेंड खोल लेते हैं, ठीक है? ओके, सो टॉपिक ऑफ द डे Privilege level iOS device. Okay, management plane protection, right? So question of the day, what is privilege level? Okay, privilege level is used to control the access of user on the box. Okay, who user use which command on the device. Okay, एक पॉइंट और लिखिए आप. On the box. Box means, you know, router, it can be switch and it can be firewall. We have 0 to 15 privilege level. Okay, zero to 15 means we have 16 privilege level. Okay, and third second point is 0, 1, and 15. This privilege is system defined. Predefined. On the box. Or 240 this is
these are custom privilege level. Custom means you know that we can customize the privilege. Okay, मतलब आखिर हमने किसी यूज़र को कोई प्रिविलेज दिया है तो उसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि वो यूज़र कौन से मोड में किस कौन से कमांड का एक्सेस कर सकता है, कौन से कमांड का एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एक पॉइंट को आपको और ध्यान रखना है, व्हेन यूज़र विल लैंड on the box when the user will first time land on the box he will land on privilege level 1 by default. राइट अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब देखो क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, हमने इसका CLI एक्सेस लिया। जब हम इसका फर्स्ट टाइम CLI एक्सेस लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से खुलता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब आप टाइप करोगे इस पे सो प्रिविलेज प्रिविलेज तो ये आपका प्रिविलेज लेवल होगा 1, ठीक है। और जब आप इस पे इनेबल कमांड टाइप करते हो, जैसे इस मोड पे है, ठीक है ना, यूज़र मोड पे है, जब आप इसे इनेबल लिखोगे तो आप प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे, ठीक है, हैश कुछ इस तरह से। और जब आप यहाँ पे लिखोगे सो प्रिविलेज प्रिविलेज तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ 15 लिखा आएगा, मीन्स आपको सभी तरह का एक्सेस है इसके अंदर। अब मैं इन प्रिविलेज के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना, कि 0, 1 एंड 15 के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत, फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो हमारा 0 प्रिविलेज है, 0 प्रिविलेज जो हमारा वो 0 प्रिविलेज जीरो प्रिविलेज देर इज ओनली 5 कमांड्स इज देयर, राइट। Disable, enable, exit, okay, and log out. And one more is there. I will tell you later. Okay. Privilege level 1. User can access only show command,
in privilege '15, user can access all command. ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें तीन मोड होते हैं आपके, जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी यूज़र को डिफाइन करोगे कि एक यूज़र इसी कमांड का एक्सेस कर सके, तो वहाँ पे आपके होते हैं थ्री मोड। थ्री मोड्स कौन कौन से हैं आपके? द फर्स्ट वन इज यूज़र एग्जैक मोड, जो आपका ये एग्जैक्ट मोड है। ठीक है, ये एग्जैक्ट मोड आपका एक यूनिक्स से उठाया हुआ है, जिसका मतलब होता है CLI। ठीक है, और एग्जैक्ट मोड का राउटर में अपने जो सिस्को का आया है उसमें मतलब होता है कि आप एग्जैक्ट का मोड होता है, एग्जैक्ट मोड का मतलब होता है कि आप प्रिविलेज लेवल पे जो कमांड यूज़ होती हैं आप उन्हें परमिट करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट कमांड यू कैन डिफाइन द कमांड्स कि कौन सा यूज़र कौन से कमांड को एक्सेस कर सके, राइट। और थर्ड वन इज कॉन्फिगर मोड। सो अब हम कॉन्फिगरेशन पार्ट को देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में क्या है हमारा, हमारे पास एक राउटर है, ठीक है, और एक एक यूज़र है हमारे पास, दिस वन इज़ आवर यूज़र। ठीक है, ये अपना यूज़र हो गया एक, और ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारा R1 है, ये हमारा यूज़र है। R1 की IP है 10.10.10.1/24, ठीक है, और यूज़र की IP है 10.10.10.2/24। ठीक है, तो हम पहला टास्क क्या करेंगे कि हम तीन यूज़र बनाएंगे, ठीक है, हम तीन यूज़र बनाएंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तीन यूज़र बनाएंगे और उसमें हम अलग अलग प्रिविलेज देंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिफाइंड है, पहले उसे कंप्लीट करेंगे फिर कस्टम वाले को कंप्लीट करेंगे, राइट। सो जो हमारा पहला यूज़र नेम होगा सिस्को, प्रिविलेज होगा हमारा 0, ठीक है ना, पासवर्ड होगा हमारा सॉरी प्रिविलेज रख यूज़र नेम रखते हैं CCNA, ठीक है, प्रिविलेज रखते हैं 0, पासवर्ड होगा हमारा CCNA, राइट। और एक हम दूसरा यूज़र बनाएंगे CCNP, ठीक है, प्रिविलेज 1, पासवर्ड CCNP, और एक और यूज़र बनाएंगे हम, उस पर रखेंगे यूज़र नेम CCI, प्रिविलेज 15, पासवर्ड CCI। ठीक है, पहले हम इन चीज़ को देखते हैं कि इन मोड में हमारे कौन कौन से कमांड एक्सेस होते हैं। ठीक है,
हमें एक राउटर चाहिए होगा। ठीक है, पहले तो हमें एक राउटर चाहिए और एक यूज़र चाहिए। तो फिलहाल तो हम एक ठीक है इस राउटर को ही यूज़र बना लेंगे। इसका थोड़ा लोगो चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक करो, कॉन्फ़िगर पे जाओ, सॉरी 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 यहाँ पे जाओ आप सिंबल्स पे। यहाँ आपको एक पीसी दिखेगा स्मार्ट सा, ये वाला, इसे कर दो अप्लाई, ओके ठीक है, और इसे कर दीजिए आप ऑन। राइट इसकी आईपी थी हमारी 10.10.10.1/24, ठीक है, और यूज़र की आईपी है हमारी 10.10.10.2/24, ठीक है, ये हमारे पोर्ट हैं इसके। ठीक है, जब तक ये ऑन होंगे ये ऑन हो गया, ठीक है R1, ठीक है होस्ट नेम यूजर, राइट एंड नो आईपी राउटिंग। ठीक है, अब ये एक पीसी की तरह एक्ट करेगा। पहले पीसी पे आईपी डिफाइन कर देते हैं फास्ट, इतना 0/0 आईपी एड्रेस, ठीक है 10.10.10.2/255/255.255.0 नो शट। ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ करने की लोड नहीं है। अब आप आ जाइए अपने R1 पे, इंटरफेस FS0/0 आईपी एड्रेस, टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट वन टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट जीरो नो शट। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं इस पे हम टेलनेट इनेबल कर देते हैं। ठीक है, लॉग इन लोकल, ओके ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देता हूँ। ठीक है, एग्जिट यूज़र नेम, ठीक है अब देखना है यूज़र नेम इज CCNAPrivilege0, ठीक है द पासवर्ड इज CCNA, राइट एक और बना लो आप यूज़र नेम CCNPPrivilege1 द पासवर्ड इज CCNP, ठीक है एक और बना लो आप CCIPrivilege15 पासवर्ड इज CCI। ठीक है, अब आप इन दोनों में देखना कि डिफरेंट क्या है। ये आपका यूज़र को खोलो, ठीक है पहले पिंग करके देख लो, पिंग सक्सेसफुल रहा है, ठीक है ना टेलनेट लेते हैं 1। ठीक है, पहले हम CCNA को देखते हैं, देखिए 0 में देखो हमारा किस मोड पे खुला, ये देखिए कमांड देखिए कौन कौन से, और ये देखो एक हेल्प थी जो मैंने आपको बताया था, ये मतलब 5 कमांड का आपको एक्सेस होता है इसके अंदर प्रिविलेज लेवल 0 में। ठीक है ना, अब देखो इसमें आप 100 कमांड भी नहीं चला सकते हो, सो ठीक है अब आप इस पर एग्जिट कर दिए, टेलनेट कर दीजिए CCNP। अब आपको देखिए प्रिविलेज लेवल में मतलब कौन कौन सी कमांड के एक्सेस होता है आपको,
ठीक है, PRIVILEGE प्रिविलेज जीरो, जीरो में आपका ये था, ठीक है। प्रिविलेज वन, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिविलेज वन में आपको कितने कमांड का एक्सेस है। ये आपकी प्रिविलेज वन, ठीक है। सो प्रिविलेज, ये देखो दिखा रहा है प्रिविलेज लेवल वन, ठीक है ना। आप इस पे इनेबल कमांड, सॉरी एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं हम एक R1 पे, ठीक है ना। इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है। अब देखिए ये 15 में आ गया, ठीक है ना। अब तो 15 में आ गया है, तो ये तो मतलब सारे कमांड का इसको एक्सेस होगा, ठीक है ना। सो अब हम मैं आपको दिखाता हूँ CCI में। आप R2 पे क्लिक करिए, ठीक है, टेलनेट करो, ठीक है। CCI, ये देखना सीधा आपका प्रिविलेज लेवल पे लैंड करेगा। ये देखो हैश आ गया। अब आप यहाँ पे लिखो शो प्रिविलेज, 15 दिखा रहा है, ठीक है। आपको इसमें सारे कमांड का एक्सेस होता है, ठीक है। आपने वेरीफाई कर लिए CCI, ठीक है, सीधा प्रिविलेज लेवल पे आ रहा है। आपको तो इसमें सारे कमांड का एक्सेस होता है, ठीक है। एक्सिट करो, ठीक है। अब हम एक यूज़र और बनाते हैं, ठीक है ना। आपको तो पता लग गया जो सिस्टम डिफाइंड है उसमें हमारे कितने, हमें किस किस कमांड का एक्सेस है, मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो, ठीक है। ये हमारी सॉरी शो कमांड्स हैं, ठीक है ना। शो कमांड है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमांड है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस पर एक यूज़र क्रिएट करता हूँ कस्टम आईडी से। R1 पे गया मैं, R1 पे मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, यूज़र नेम इज़ अजय, ठीक है। प्रिविलेज इज़ 2, राइट, द पासवर्ड इज़ अजय। अब मैं टेलनेट लेता हूँ उसे, टेलनेट 1, राइट, अजय यूज़र नेम, पासवर्ड इज़ अजय, राइट। देखो मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, सीधा 2 पे आ रहा हूँ। अब मैं इसमें करता हूँ शो प्रिविलेज, 2 आ रही है, पर ये देखो ये देखो मुझे कॉन्फ़िगर टर्मिनल की एक्सेस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना एक्सेस, ये देखो। अब मैं नहीं जा सकता इसके अंदर, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, एक और यूज़र बना देता हूँ आपके लिए, मैं इसमें बना देता हूँ मैं विजय, प्रिविलेज 14, द पासवर्ड इज VIJAY, विजय, राइट। आप इसे एग्जिट कर जाइए, ठीक है, VIJAY, विजय, VIJAY, विजय, राइट। अब आप यहाँ भी देखिए 40 है, फिर भी देखो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जो अजय है जिसका प्रिविलेज लेवल 2 है, ठीक है, वो क्या कर पाए कि वो कॉन्फ़िगर टर्मिनल की जो कमांड है, ठीक है, उसको मतलब वो रन कर सके। तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, आपको टाइप करना है R1 पे जाना है प्रिविलेज, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करिए,
ठीक है, एक्सेक मोड। मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रिविलेज मोड है। अब प्रिविलेज मोड में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से कमांड को एक्सेस कर सके, लेवल टू। ठीक है, अब मैंने उसमें क्या कर दिया लेवल टू में कि वो चला सके कॉन्फ़िगर टर्मिनल। एंटर मार दो, ठीक है, एग्जिट आ दो। अब मैं करता हूँ टेलनेट एक्सेस लेता हूँ अजय को, अजय, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देखो अब मैं कमांड को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, अब ये देखो शो, सॉरी, पर भी मैं कॉन्फ़िग मोड में जाके भी देखो मैं कुछ नहीं चला सकता, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला सकता, कुछ भी नहीं चला सकता, ठीक है, कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं चला सकता। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा अजय है वो, अब सॉरी, जो विजय है मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्फ़िग टर्मिनल भी चला पाए और राउटर AIRP भी रन कर सके, ठीक है ना। तो आप एक चेंजेस देखना इसके अंदर क्या है। प्रिविलेज एक्सेक लेवल टू, सॉरी 14, ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाके, ठीक है ना, और मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो कॉन्फ़िग मोड में आए तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल भी रन कर सके, ठीक है। तो उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिविलेज करके आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर लेवल 14, ठीक है, राउटर, राउटर AIRP, ठीक है। आप यहाँ से एग्ज़िट कर जाओ और यहाँ से भी एग्ज़िट कर जाओ और टेलनेट करो विजय, विजय, ठीक है। अब देखो मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में जा सकता हूँ, पहले नहीं जा पा रहा था, ठीक है, और देखो राउटर AIRP की कमांड भी रन कर सकता हूँ, देखो इसमें आ रहा है। और यहाँ पे देखो जब मैंने अजय को एक्सेस किया था तो उसमें देखो राउटर की कमांड कहीं आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है, ये देखो राउटर AIRP, ठीक है, मैं AIRP ही रन कर सकता हूँ, ठीक है ना। सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, राउटर जो है ना ये मरिए, राउटर तो मेरा कमांड हो गया, ठीक है, और जो AIRP हो गई ये मेरी होगी आर्ग्यूमेंट। तो जब मैंने राउटर कमांड डाला है तो राउटर के अंदर मेरे सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ अलग करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना, राउटर हमारी कमांड होती है और AIRP हमारी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो कमांड हमारी फिक्स रहेगी, आर्ग्यूमेंट चेंज होता रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखो इंटरफेस की कमांड नहीं चला पा रहा मैं विजय के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अजय इंटरफेस की कमांड चला सके, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिविलेज इंटरफेस लेवल टू, ठीक है, और मैं उसमें चला सकूँ शट डाउन की कमांड चला सकूँ, शट डाउन चला सकूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एग्जिट आ जाओ, मैं विजय में चला नहीं पा रहा था ना, अब ये देखना इंटरफेस FA 0x0, ठीक है, ये देखो इसमें देखो शट डाउन की कमांड दिखाएगा, ठीक है। पर देखो इसमें एक चीज़ और भी है कि जब आप किसी लोअर प्रिविलेज लेवल में जो भी मतलब कमांड डिफाइन करते हैं, जैसे कि अभी देखो मैंने सिर्फ इंटरफेस का डिफाइन किया है कि अजय ही उसे मतलब इंटरफेस की कमांड चला सके, ठीक है ना, विजय में ना चले। बट आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक्सिट कर दीजिए आप,
यहाँ से भी। हाँ ठीक है ठीक है, अब विजय को आप एक्सेस करो। विजय में तो आप चला नहीं पा रहे थे, पर अब चला के देखो। विजय विजय ठीक है, कन्फिग टी ठीक है ना, ये देखो। एक मिनट वेट करिए, टेनेट लीजिए। सॉरी, मेरे को एक चीज़ और डिफाइन करनी पड़ी कि प्रिविलेज लेवल 2 पे मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल पे भी जा सकूँ 2 से। तो आपको क्या करना है कि एग्जैक मोड पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये कमांड तो मैंने एंटर पहले ही मार दी थी ठीक है ना। अब मैं इसको एक्सेस कर सकूँ ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, सॉरी आपको यहाँ पे जाके मैं इंटरफेस ही कमांड चला सकूँ। यहाँ पे इंटरफेस प्रिविलेज इंटरफेस लेवल 2 ठीक है, शट डाउन ठीक है। आप यहाँ से एक्सिट करिए और टेलनेट को एक्सेस करें अजय के नाम से, अजय अजय कॉन्फ़िग टर्मिनल एक्सेस इंटरफेस। उस इंटरफेस का एक्सेस मैंने अजय को दिया हुआ है। इंटरफेस की कमांड ही चला सके, ठीक है। मैंने सेम ही दिया हुआ है। विजय को एक्सेस करो एक बार, विजय विजय कॉन्फ़िग दी इंटरफेस की कमांड, ये भी नहीं चला पा रहा है ठीक है। पर ये राउटर ये IGRP की चला पा रहा है जो हमने परमिशन दी थी ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इंटरफेस की कमांड भी चला पाए वो। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी मिस्टेक थी मेरी यहाँ पर थोड़ी सी। कन्फिग मोड में चलती है ना आपके इंटरफेस की तो कमांड, टू इंटरफेस ठीक है। अब देखना आप दोनों कोई भी नहीं चला पड़ता ना इंटरफेस की। पहले मैं लोअर वालों को एक्सेस करता हूँ, पहले अजय का प्रिविलेज लेवल 2 है, पहले उसको एक्सेस करता हूँ। देखो इंटरफेस की कमांड में एक्सेस कर सकता हूँ ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने सिर्फ प्रिविलेज लेवल 2 में ही परमिट किया हुआ है ठीक है, 40 में मैंने परमिट नहीं किया हुआ है। तो अब ये देखो आप, टेन डॉट वन ठीक है, VIJAY विजय, VIJAY विजय ठीक है। ये देखो मैंने सिर्फ 2 में परमिट किया था, पर 40 में नहीं ठीक है। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है ठीक है ना,
ये एक डिसएडवांटेज है जिसके चक्कर में हम कभी भी राउटर पे प्रिविलेज लेवल का कंसेप्ट कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए क्योंकि जो लोअर पे आखिर मान लो कि आपने डिफाइंड किया हुआ है कि प्रिविलेज लेवल 40 वाला कभी भी शट डाउन की कमांड ना चला पाए, पर 2 वाला चला पाए, पर आप जो भी मतलब 2 में जो भी चीज़ डिफाइन करोगे वो तो उसे अडॉप्ट सारे कर लेगा। जो भी आप परमिशन 2 को दोगे वो 40 वाला ऑटोमेटिक उसे अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। और जो आप 40 पे दोगे वो आपका लोअर वाले प्रिविलेज लेवल पे कभी भी वो कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये हमारा डिसएडवांटेज था, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैंने देखो इसके बारे में लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें जब तक ऑन हो रहा है वो बताता हूँ मैं, कि ये आपको बात को ध्यान रखना है कि कौन सी कमांड कौन से मोड पे चलती है। अब कॉन्फ़िग टर्मिनल है वो आपकी चलती है प्रिविलेज लेवल पे, तो आपको कौन सी कमांड करनी याद करनी है, exec, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब जैसे कि privilege प्रिविलेज exec, ठीक है ना। उसके बाद आपको लेवल लिख के लेवल का नाम, कोई प्रिविलेज लेवल है जैसे मान लो 2 था, ठीक है। कौन सी कमांड आपको एंटर मारनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया कमांड्स नेम, ओके। और आखिर आपको आप कॉन्फ़िग टर्मिनल को एंटर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको डिफाइन करना है कि कॉन्फ़िग टर्मिनल पे मैं कौन कौन सी कमांड चला पाई, तो फिर उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा privilege प्रिविलेज कन्फिगर लेवल 2 और कमांड, ठीक है। ये चीज़ को आपको डिफाइन ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही, बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं। इधर आइए, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बहुत सारे, बुक लिखी हुई थी इसमें मैंने। नीचे आ जाइए आप, इसमें देखो आपका ये रूल चलता है, इनहेरिटेंस रूल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो लोअर प्रिविलेज लेवल होते हैं उन पे आप जो भी मतलब कमांड डिफाइन करोगे, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जो कमांड आप डिफाइन करोगे उसके अंदर वो मतलब जो हायर प्रिविलेज लेवल होगा वो उसे अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना। और सेकंड वन इज़ ये था कि प्रिविलेज लेवल ओनली मैच कमांड नॉट आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। इस बात का देखो क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राउटर EIGRP, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था राउटर EIGRP। तो जो आपका ये राउटर है, राउटर हो गया कमांड, ठीक है, ठीक है। और जो आपका एक मिनट, ठीक है, और जो आपका एक मिनट, जो आपका ये EIGRP है, ठीक है, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। सो कमांड आपकी
चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट चेंज होगा, कमांड सेम होगी, आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। तभी आपने देखा था कि मैंने राउटर डाला था और ई आई जी आर पी, तो हमें लग रहा था कि ई आई जी आर पी ही मतलब सी रन होगा। नहीं, राउटर कमांड है, राउटर कमांड हमने अलाउ कर रखा है, तो उसके अंदर जितनी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें अलाउ होंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल हम आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।